हेलो दोस्तों, मैं हूं नवदीप सोरान। आपका मेरे वीडियो में स्वागत है दोस्तों। अब जैसे आपको अभी पता होगा कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, फिर से कोरोना रिटर्न हो गया है। हमारी वजह से ये कोरोना ख़त्म नहीं हो रहा दोस्तों। हम मास्क कुछ भी हम नहीं पहनते हैं, या फिर आप हैंड सैनिटाइज भी बार बार नहीं करते हैं दोस्तों। इस दौरान अभी लॉकडाउन के दौरान हमारी कार कहीं पर भी चल नहीं पाती दोस्तों। इससे आप को लॉकडाउन में भी गाड़ी को बार बार स्टार्ट करते रहते गए। और दोस्तों अभी जैसे आपको यही पॉइंट बताऊंगा जो दोस्तों आपको लॉकडाउन में भी फॉलो करनी है अपनी कार के साथ। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है, काफ़ी अंधेरा हुआ दोस्तों, अभी गाड़ी भीतर अंदर खड़ी हुई है दोस्तों हमारी कार। और दोस्तों अभी फर्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें क्या करना है कि इस लॉकडाउन में भी हमारी कार लॉकडाउन के दौरान हमारी कार चल नहीं पा रही। आप देख सकते हैं हमारी कार अंदर खड़ी है। और दोस्तों हमें क्या करना है कि ये जो हमारा हैंड ब्रेक इसको रिलीज कर देना है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि दोस्तों जो हमारी जो ये आपको भी पता होगा, नॉर्मली जो हमारे ब्रेक होते हैं, जो ब्रेक पैडल के जो ब्रेक होते हैं वो हमारे यहाँ पर अगले टायर के होते हैं, जो हैंड ब्रेक ब्रेक होते हैं वो हमारे पीछे वाले टायरों के होते हैं। जो हम कई दिनों से अगर हम हैंड ब्रेक खींचे रहते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो हमारे जो ये है कि ये हमारे जो ब्रेक होते हैं हैंड ब्रेक वाले ब्रेक वो उसको स्टील को जकड़ रहे रहते हैं। और उस अगर हम गाड़ी को अगर फिर बाद में हम चलाते हैं लॉकडाउन के बाद तो दोस्तों वो गाड़ी कई किलोमीटर बाद में भी वो हैंड ब्रेक ठीक नहीं होते दोस्तों। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि दोस्तों आप हैंड ब्रेक रिलीज कर दीजिए और गियर को लगा करके पीछे वाले टायरों पर हीट लगा दीजिए दोस्तों। और सेकंड पॉइंट है दोस्तों कि जैसे हमारी जो ये जो वाट जो हमारा फ्यूल लीवर है इसको आपको ओपन करना होगा। ये हमारा फ्यूल लीवर ओपन हो चुका है, आप देख सकते हो ये हमारा फ्यूल लीवर ओपन हो गया दोस्तों। अभी क्या करना है कि जो हमारे इसमें एक ढक्कन है, आप देख सकते हो ढक्कन को खोल लेना है। एक सेकंड रुको दोस्तों। सो गाइस हमारा ये ढक्कन खुल चुका है दोस्तों। अभी जैसे आपको आवाज जा रही थी या फिर आप महसूस अगर यहाँ पर होते तो दोस्तों आप महसूस कर सकते थे कि यहाँ पर भी गैस निकल रही है। तो सेकंड चीज़ दोस्तों आप इसमें क्या कीजिए कि अपना फ्यूल है ना, अपना फ्यूल इसमें डलवा कर रखिए दोस्तों। क्योंकि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, इसका भी मैं रीज़न आपको बताऊँगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों आपको क्योंकि अभी जैसे लॉकडाउन में हमारी कार कहीं चल रही नहीं है तो दोस्तों इससे जो हमारे फ्यूल टैंक में रस्टिंग आ जाएगी, आप हरियाणवी भाषा में जंग लग जाएगा दोस्तों जो नलकी है। और दोस्तों कुछ हमें अपने बोनट को भी खोल कर वो अपन चेक कर लेना चाहिए दोस्तों, कोई इसे आवाज नहीं आ रही है या नहीं आ रही है, और स्टार्ट करके भी देख लेना चाहिए। अभी मैं बोनट खोल के देख नहीं सकता दोस्तों, अभी मेरे पापा जिस साइड में है वो डांटेंगे। वैसे दोस्तों हमें बोनट खोल कर उसके जांच कर लेनी चाहिए और स्टार्ट भी कर लेनी चाहिए। एक बार खोल के दिखाता मैं दोस्तों, स्टार्ट नहीं कर सकता दोस्तों। स्टार्ट करूँगा तो अभी यहाँ पर ये अंदर खड़ी है। तो गाइस ये हमारा इंजन जो बोनट होता है ये हमारा ओपन हो चुका है। और दोस्तों आपको इसमें भी फ्यूल ये जो अपना पानी होता है ये वाइपर का ये भी आपको फुल करके लेना है। और अभी स्टार्ट करके देखना कि कहीं से वो इंजन में से आवाज़ें तो नहीं आ रही है। अब जैसे आपको पर्सनली तो आपको पुलिस वाले नहीं जाने देंगे, या फिर आप कहीं पर भी आपको टाइम मिले तो मैकेनिक के पास आप जाकर अपनी कार को ठीक करा लीजिए दोस्तों। मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा। और थर्ड पॉइंट है दोस्तों, और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों जो हमारे ये जो ये गैस भी निकाली थी और हमें फ्यूल भी मैं टंकी में फ्यूल करा लेनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको
ये भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रस्टिंग ना हो दोस्तों। ये फिर से मैं पॉइंट दोहरा रहा हूँ, कई भाइयों को ये समझ में नहीं आएगा, एक दो बार मैं आपको बताऊँगा या फिर आप कभी भी कमेंट सेक्शन में आपको पूछेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँगा। वैसे एक चीज़ आप भी नोटिस करते होंगे दोस्तों कि जब हम कार को लेते हैं तब भी वो एक से आधा लीटर फ्यूल ही हमारे गाड़ी के अंदर रखते हैं, और जिससे दोस्तों वो इतना फ्यूल रखते हैं कि हमारी कार पेट्रोल पंप तक पहुँचे, जहाँ पर पेट्रोल पंप वहाँ तक पहुँच जाए दोस्तों। हमारे यहाँ तो इतना ही पेट्रोल पंप तक पहुँच जाए, इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसी पसंद आई। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो यही थी, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे कौन से जो लॉकडाउन में जो वो हैं जो आपको परेशान कर देते हैं, जब आप लॉकडाउन के बाद अपनी कार को स्टार्ट करें तो दोस्तों वो प्रॉब्लम ना आए। अभी एक पॉइंट रहता है दोस्तों, आप सोचिए वो क्या रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, वो पॉइंट है दोस्तों आप 10 से 15 डेज के अंदर अंदर आप कार को स्टार्ट या फिर 5 से 10 किलोमीटर आप कार को चला लीजिए दोस्तों। इससे आपकी गाड़ी भी को अभी नुकसान नहीं होगा, अभी नुकसान इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि जो हमारी गाड़ी की एक तो बैटरी भी चार्ज होती जाएगी दोस्तों, और एक इसके ऊपर कार्बन भी नहीं लगेगा। अभी फिलहाल ये गाड़ी कम एक पीस से एक हफ्ते में कम से कम भी मैं इसको चला लेता हूँ या फिर चल जाती दोस्तों। आज की मेरी वीडियो यही थी दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको मिलूँगा। बाय दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों। बाय दोस्तों।